इतना इतना घटिया हालत है इस रोड की कि एक टू व्हीलर जाना भी वहाँ से मुश्किल हो गया तो ऐसे में तो इस चीज़ के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है जिसमें मैं त, तमाम आवाम से जो भी इन चीजों से लेकर परेशान हैं कल ढाई बजे इतिहाद चौक पर मौजूद रहे और इस जलसे में शा, शामिल होकर अपने गुस्से का इजहार करें जो पूरे दुकान वाले है ना पूरे टीन शर्ट निकाल कर रेडी हो बैठे है अपने दुकान कारोबार बंद करके बैठे हैं काम चालू होगा बोल के कहा होगा की वहाँ पर एक जो टिप्पर है ऑलमोस्ट पलटी हो गया था इसलिए हम लोग जनता परिवार तरफ से एक पोटस रखा गया है एहतजा करने में भरपूर आप हमारा सपोर्ट करें आप मैं खालिद अबरार जनता परिवार स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन आज वीडियो पर आने का मकसद ये है कि कल जनता परिवार की तरफ से कल बरोज़ चाशुबा इतिहाद चौक पर जो है ना हम लोगों का एक प्रोटेस्ट मार्च होगा जहाँ से हम हागरगा की तरफ हागरगा रिंग रोड की तरफ रुख करेंगे इस एहतजाज का जो वजह है वो ये है कि जो हागरगा की रोड है जो फ़िलहाल बिल्कुल ख़राब हालत में है खस्ता हालत में है और इस रोड की तरफ जो है हमारे प्रशासन की तरफ से एक ओपनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था जिसमें मोहतरमा कनीस फ़ातिमा जो है वो एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट भी किए गए थे एक जलसा हुआ था नोबल फंक्शन हॉल में स्टेटिंग दैट के इस रोड की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है जिसके लिए जो बजट एलोकेशन था वो था फोर्टीन करोड़ का चौदह करोड़ का इसका बजट था और ओपनिंग वगैरह हो गई अभी फ़िलहाल हो गए हैं ढाई महीने उस बात को हुए अभी तक वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है ना ही कोई काम चालू हुआ है ना ही रोड की साफ सफाई ना ही मरम्मत चालू हुई है तो इसके वजह से जो है वहाँ के अतराफ के जो लोग हैं जो हागरगा से ट्रैवल करते हैं या आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई सारे हादसा भी वहाँ पर पेश आए हैं जैसे हाल ही में लास्ट वीक में एक आप लोगों ने शायद देखा होगा कि वहाँ पर एक जो टिपर है ऑलमोस्ट पलटी हो गया था कई ऑटोस फंस रहे हैं इतना इतना घटिया हालत है इस रोड की कि एक टू व्हीलर जाना भी वहाँ से मुश्किल हो गया तो ऐसे में लोग अगर जाएं तो वहाँ से जाएं कैसे पासज टोटली मुश्किल हो गया है तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे जो एमएलए हैं उनकी है जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को एक सिंगल को ब्लेम करना इसमें ज़रूरी नहीं है बट जबकि एलोकेशन हो गया है आपका बजट जबकि आपका बजट सेंक्शन हो गया है तो फिर किस बात की देरी हो रही है तो इस चीज़ के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है जिसमें मैं तमाम आवाम से जो हागरगा में रहते हैं जो आसपास के इलाक़ों में रहते हैं जो पूरे जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी जो भी इन चीज़ों से लेकर परेशान हैं तो उनको मैं इनवाइट करता हूं कि आप कल बरोज़ चाशुम्बा चार तारीख को ढाई बजे इतिहाद चौक पर मौजूद रहें और इस जैसे में शा, शामिल होकर अपने गुस्से का इजहार करें क्योंकि गुस्सा ही बोल सकते हैं अब इसमें अपील नहीं बोल सकते क्योंकि पब्लिक को इसमें गुस्सा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने वहाँ पे हादसा होने के बावजूद इतने एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी अगर इस पर रेस्पॉन्सिबली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम नहीं करता है तो देन पीपल आर डेफिनेटली एंग्री ऑन दिस एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड एट द अर्एस्ट सो दैट्स द थिंग और दूसरी बात जो रिलेटेड इश्यूज हैं सड़कों के एक और इशू है रिलेटेड टू आवर सर्विस रोड जिसमें हमने पर्सनली uh, जनता परिवार की तमाम टीम ने जाकर एनएचए के डायरेक्टर से मीटिंग की थी और उन्होंने बताया था कि उस रोड का भी जो है थर्टी थ्री करोड़ का बजट ऑलरेडी अवेलेबल है सेंक्शनड है और काम जल्द से जल्द चालू होने वाला है तो उन्होंने डेट बताई थी कि इट विल बी स्टार्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम एटलीस्ट सेकेंड ऑफ अक्टूबर ऑन और बिफोर तो ये बोला गया था वहां पर भी सिर्फ दिखावा किया गया कि चार दिन जो है ना जे लगाकर रोड साफ सफाई की गई और उसके बाद आगे वहां पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं है वहां पर जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट थे जो भी बाहर अपने दुकानों के जो भी डब्बे लगाए गए थे जो भी थेले टाइप या जो भी पान शॉप्स वगैरह थे वो सब बेचारों ने तो अपना काम कर लिया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो भी थी विद इन द गाइडलाइंस वो लोगों ने शिफ्ट कर ली बट उसके बावजूद अभी काम नहीं हुआ है ना तो अभी पीडब्ल्यू डी वर्क स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ना तो जो है ना कि वर्क स्टार्ट हुआ है ना ही पोल्स रिमोल स्टार्टिंग हो गया है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं तो टोटल जीरो प्रोग्रेस ऐसा लगता है कि इन रोड्स का जो मसला है फिलहाल गुलबरगा में ये अगले आने वाले इलेक्शंस तक भी मुकम्मल नहीं होगा पब्लिक को ऐसा लग रहा है फिलहाल और हमें तो लग ही रहा है हंड्रेड परसेंट क्योंकि मुझे लगता है शायद ये कांग्रेस के आने वाले मैनिफेस्टो में भी यही चीज़ें रहेंगी जो जैसे कि पिछली बार थी ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनके मैनिफेस्टो में थी कि यूल हैव अ नाइस वॉकओवर्स अक्रॉस द रोड वेर इन फुटपाथ रहेंगे अच्छी रोडें रहेंगी नल पानी आर ओ प्लाट्स स्ट्रीट लाइट्स ये सारे वादे जो थे वो पिछले इलेक्शन में भी थे और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन के लिए भी ये लोग बचा के रखना चाह रहे हैं कि अगर इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे अभी तो अगले इलेक्शन में बोलें क्या ऐसा नहीं है जो आपने प्रोमिस किया है यू हैव टू बी ऑन योर प्रोमिस पब्लिक को जो आपने वायदा किया है उन पर एटलीस्ट आप काम करें और जल्द से जल्द हागरगा रोड और रिंग रोड का इशू को सॉर्ट आउट करें जय हिंद साथियों मैं जनता परिवार सिटी इंचार्ज चर्च सैयद मुबीन आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कल चार शुम्बा से चार तारीख ढाई बजे इतिहास चौक पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो आगरा रोड का जो काम बाकी है जो अप्रोवल हो गया संगशन हो गया रोड तो भी उसको तीन महीने से उसको काम चालू नहीं किया गया जो पूरे दुकान वाले हैं ना पूरे टीन शर्ट निकाल कर रेडी हो बैठे हैं अपने दुकानें कारोबार बंद करके बैठे हैं कि काम चालू होंगे बोल के आज तक वो लोग परेशान हैं कि काम क्यों चालू हुआ तीन महीने से होगा लोग परेशान हैं और लोग इतनी दिक्कत हो रही है जाने आने के लिए हागर का गाँव को और यहाँ के जो रहने वाले हैं आजू बाजू इतनी तकलीफ़ हो रही है ये देख कर भी है ना उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है जो काम नहीं चालू कर रहे हैं वो लोग इसलिए हम लोग जनता परिवार तरफ से एक पोटस रखा गया है आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इतिहास चौक पर जमा हो और इसका एहतजाज करने में भरपूर आपका आप हमारा सपोर्ट करें आप ताकि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए आगे तक हमको इसके ऊपर तक तो इसका आवाज पहुंचाना है हमारे को आप लोगों से गुजारिश है कि कल ढाई बजे इतिहास चौक पर जमा हो और इस गुस्से का इजहार करें